The Nagpur Improvement Trust or the NIT has come up with a housing scheme exclusively for the LGBTQ community in the city. Now let me tell you, Nagpur is the first city to do so in Maharashtra. NIT Chairman Manoj Kumar Suryavanshi talks exclusively to the free media and tells us more about this housing scheme for the community. Let's listen in. जब हम लोग सब कॉमन पीपल को घर देने की बात के बारे में सोचते हैं, तो ये कम्युनिटी के बारे में महाराष्ट्र में अभी तक एक भी प्रोजेक्ट हुआ नहीं। और इसके बारे में एक सारथी करके संगठन है, उनके द्वारा मैंने कोशिश की तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला। पहले इसमें 400 लोगों ने नाम दे दिए। इन 400 लोगों को हमने, हमारे पास में 250 घर बने हुए हैं, वो बताए, वो उनको पसंद आ गए, उसके लिए हमने जिसकी जो फ्लैट की वैल्यू है वो रिकैलकुलेट की। स्टेट गवर्नमेंट का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट को हमने प्रस्ताव भेजा, उन्होंने भी 2.5 लाख रुपए पर फ्लैट हमको गवर्नमेंट की तरफ से देने का आश्वासन किया हुआ है। तो इस तरीके से 6.5 लाख में ये फ्लैट 1 बेडरूम किचन का उनको मिलेगा। इसके लिए अभी तक LGBTQ कम्युनिटी की तरफ से हमने नाम प्राप्त जो हुए हैं, इनके फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू है। जैसे ही पर्याप्त संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे, लॉटरी निकाल के उनको घर ये अलॉट किए जाएंगे। हमारी जो NIT की प्रोसीजर है, ये हम लोग लॉटरी निकालेंगे, लॉटरी के द्वारा जिसको जो फ्लैट आवंटित होगा वो फ्लैट उसको अलॉट किया जाएगा। नहीं, पहले जब हमने सर्वे किया तब 400 LGBTQ कम्युनिटी के लोगों ने हमारे पास में रजिस्ट्रेशन किया। अब हमने दूसरा एडवर्टाइजमेंट निकाला हुआ है कि जो हमारा ऑफिशियल जो प्रोसीजर है उस हिसाब से 1,000 रुपए भरो और हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दो। तो इसमें अभी 100 के करीब नाम आए हुए हैं और नाम आने की संभावना है, क्योंकि मैंने जो ट्रांसजेंडर की जो यूनियन है उनसे बात किया, उनके गुरु जो है मेरे पास आके गए, वो बाहर गए हुए, वो आने के बाद में इस कार्य को और जल्दी हो जाएगा। और जब 250 के ऊपर नाम जाएंगे उसके बाद हम लोग लॉटरी निकाल के इनको फ्लैट आवंटित करेंगे। ये महाराष्ट्र में अपने तरीके का फर्स्ट प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र में अभी तक ट्रांसजेंडर के लिए या LGBTQ के लिए सेपरेट घर बनाए नहीं है। ये अलग एक, मतलब अलग जगह पे बना रहे जहाँ उनको काफी ओपन स्पेस मिलेगी, गार्डन मिलेगा। आगे हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कलेक्टर से कॉन्टेक्ट करके इनके बचत घर तैयार करेंगे, इनको अगर कोई काम करना चाहते है तो वहीं पे काम करेंगे, इनके लिए सेपरेट राशन दुकान भी वहीं पे खोलने की हम लोग कोशिश करेंगे। उसके बाद में मेडिकल हेल्प के लिए डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कि अगर जो HIV पेशेंट है और जो बीमार लोग है उनके लिए वीक में एक बार वहीं पे वो काउंटर खोले और दवाई दे। ये सब आगे का प्रोजेक्ट है, पर पहले हमारी प्राथमिकता ये है कि हम उनको घर अलॉट करें और उनको घर में जाने के लिए सहाय करें, उनको हेल्प करें, उनका खुद का घर हो और वो अपनी जिंदगी स्वाभिमान के साथ जी पाए।